एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। लोकसभा चुनाव 2019 और बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से खास फायदा ना मिला हो, बावजूद इसके 2022 की लड़ाई में कांग्रेसियों को इस सीट से खासा उम्मीद है। यही वजह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत से लेकर अन्य कांग्रेसी दिग्गज इसी सीट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा ही बेहतर रहा है। राज्य बनने के बाद जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, इस लोकसभा की विधानसभाओं में उसका परचम जरूर लहराया है। 2002 और 2012 के विधानसभा चुनाव में 4 जिलों के इस लोकसभा में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के कारण ही कांग्रेस के साथ सत्ता भी लगी थी। अब कांग्रेस नेताओं को फिर लगने लगा है कि 2022 में भी सत्ता का चाबी इसी लोकसभा से निकलेगी। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा मानते हैं कि इस लोकसभा में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के पीछे पूर्व सीएम हरीश रावत का राष्ट्रीय कद है। उनके चलते ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन हर विधानसभा में बेहतर रहा है। 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड में खराब रहा, बावजूद इसके इस लोकसभा की 3 विधानसभा सीटें उनकी झोली में गई थी। कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर इस लोकसभा में भले ही बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी को उसका दावा नागवार गुजर रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी कहते हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। शायद ये पहला ऐसा विधानसभा का चुनाव होगा जब बीजेपी लोकसभा की सभी 14 सीटों को अपने नाम करेगी। जोशी कमल की बढ़ती ताकत के पीछे बीजेपी संगठन की मौजूदगी और मजबूती के साथ ही पीछे कांग्रेस की गुटबाजी की बड़ी वजह मानी जा रही है। इस लोकसभा में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भी फौज है। पूर्व सीएम हरीश रावत के अलावा गोविंद सिंह कुंजवाल, महेंद्र सिंह महारा, प्रदीप टमटा, करण महारा जैसे नेता यहीं से निकले हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीद का वाजिब कारण भी मौजूद है, लेकिन अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले चुनावों में कांग्रेस यहां अपने मन मुताबिक सीटें जीत पाती है या फिर उसके सपने मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।